भारतीय रेल वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन की तर्ज पर ट्रेनों के कोच बनाने जा रहा है। इसके अंदर सभी गेट ऑटोमेटिक होंगे। इस जानकारी को अधिक जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हर साल रेलवे में यात्रा करने के दौरान बहुत से यात्री घायल हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है गेट पर लटक कर ट्रैवल करने से। इससे बचने के लिए रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस में ऐसा सिस्टम लगाया जिससे कि ट्रेन चलने से पहले ही दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुरादाबाद रेल मंडल में दरवाजा पर बैठकर सफर करने के कारण प्रत्येक वर्ष 400 से भी अधिक यात्रियों की मौत हो जाती है। इसके अलावा ट्रेन धीरे होने पर भी लोगों से छीना झपटी की केसेस हमेशा सामने आते रहते हैं। रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें आपने देखा होगा किस तरह से चलती ट्रेन में दरवाजे पर स्थानीय लोग चढ़ जाते हैं और यात्रियों का सामान खींच कर ले जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है कि सभी ट्रेनों में स्वचालित दरवाजा लगाया जाएगा। इसके लिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी की गई पिंक बुक, जिसे बजट पुस्तिका कहा जाता है, रेलवे ने इसका प्रावधान किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 300 कोचेज में ये सिस्टम लगाया जाएगा। अब रेलवे ने तो ऐलान कर दिया कि 300 कोचेज में लगेंगे, पर रेलवे ने इस प्रोजेक्ट के लिए राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस को चुना है जिसमें ऑटोमेटिक डोर्स लगाए जाएंगे। पर मेरा पर्सनल व्यू ये है कि इस कोचेज में जो गेट लगाए जाएंगे, इस गेट की ज़रूरत इन ट्रेनों से ज़्यादा सब अर्बन ट्रेन को है, क्योंकि उन ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है पैसेंजर्स की, जिसके कारण हादसा होता है। तो मेरा पर्सनल व्यू ये था। आपकी क्या राय है इस विषय में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।